और ये नंबर आप थर्टी और फोर्टी के बीच में लिखोगे थर्टी और फोर्टी के ये बीच में नंबर है राइट ठीक है और उसके बाद आप देखो थर्टी सिक्स कहां पर आएगा तो थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन और फोर्टी तो थर्टी सिक्स यहां पर आया राइट तो आप देखो कि थर्टी सिक्स जो है वो किसके ज्यादा नज़दीक में है फोर्टी के नज़दीक में है या थर्टी के नज़दीक में है नियरेस्ट टेन नियरेस्ट टेन कौन है थर्टी है या फोर्टी है तो यहां पे हम लोग देख के कह सकते हैं कि हाँ भाई नियरेस्ट टेन जो है थर्टी सिक्स का वो है फोर्टी ओके okay. फिर अगर कोई दूसरा नंबर होता जैसे कि यहां पे एक नंबर है मान लो वो है थर्टी थ्री तो जो थर्टी थ्री है वो थर्टी और फोर्टी के बीच में तो है बट किसके नजदीक में ज्यादा है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो थर्टी के नजदीक में ज्यादा है ठीक है तो थर्टी के पास में है और अगर कोई नंबर यहां पे है थर्टी फाइव वाला तो ये थर्टी फाइव जो नंबर है वो फोर्टी और थर्टी के एकदम बीच में है ना बच्चों राइट तो आप कहोगे बीच में है तो इसका तो कुछ कह नहीं सकते बट हम लोग ये मान लेते हैं मैथ्स में ऐसा मान लेते हैं हम लोग कि जो थर्टी फाइव नंबर है वो फोर्टी के पास में है मतलब उसका नियरेस्ट टेन जो होगा वो फोर्टी होगा तो अब आप समझे बच्चों नियरेस्ट टेन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे देखो कोई भी नंबर है मान लो कोई भी नंबर है ठीक है ये दो बॉक्स सर क्या बना रहे हो ये बॉक्स में बना रहा हूं दोनों डिजिट्स ये वंस प्लेस पे ये टेंस प्लेस पे ठीक है तो आपको नियरेस्ट टेन अगर आंसर फाइंड आउट करना है तो आपको जो वंस प्लेस पे डिजिट है ना वो चेक करना होगा ठीक है और उसमें क्या चेक करना होगा कि जो वंस प्लेस पे डिजिट है क्या वो वन है या टू है या थ्री या फोर ठीक है अगर इस वंस प्लेस पे होने वाला डिजिट इनमें से कोई एक है तो आप उसकी जगह पे लिखोगे जीरो क्या लिखोगे आप आप यहां पे फिर जीरो लिख दोगे और उसके पहले का नंबर वैसा का वैसा ओके ठीक है बच्चों तो आप क्या लिखेंगे यहां पे आप यहां पे बॉक्स में लिखेंगे जीरो और पहले का नंबर जो था वो वैसा का वैसा लेकिन अगर वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो है फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन इनमें से कोई एक तो आप इस प्लेस पे क्या लिखोगे ये वंश प्लेस पे आप इस वंस प्लेस पे लिखोगे डिजिट जीरो ठीक है और उसके आगे वाले डिजिट में प्लस वन कर दोगे क्या मैंने कहा वंस प्लेस पे जो डिजिट होगा वो जीरो होगा और उसके आगे वाले डिजिट पे मतलब टेंस प्लेस वाले एग्जाम्पल से समझते हैं तो मैंने यहां पे लिख दिया फोर्टी फोर अब बच्चों वंस प्लेस पे कौन है फोर है तो फोर कौन से ग्रुप में है इसमें या इसमें फोर तो इस वाले में है ये रहा फोर तो आपको वंस के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा जीरो तो आप मान लो यहाँ पे आंसर लिख रहे हो आप यहां पे लिखोगे ये बॉक्स तो मैं वैसे ही बना रहा हूं आपको बताने के लिए बच्चों तो फोर की जगह पे आपने क्या लिख दिया जीरो लिख दिया और टेंस प्लेस पे कोई चेंज करना है कुछ नहीं करना है तो यहाँ पे आंसर आ गया फोर्टी तो फोर्टी फोर का आंसर क्या आया फोर्टी आंसर आया फिर वैसे ही अगर बात करें अगर मान लो कोई डिजिट है जो फिफ्टी सिक्स है सपोज क्या है फिफ्टी सिक्स तो आप देखो वंस प्लेस पे कौन है सिक्स है वंस प्लेस पे कौन है सिक्स है तो सिक्स जो है वो ये रहा इस ग्रुप में है राइट right? तो फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये रहा सिक्स तो अगर इनमें से कोई एक नंबर होता है तो आपको क्या करना होता है आपको ये जो वंस प्लेस पे डिजिट है सिक्स उसके बदले जीरो लिखने का वेल well, कर दिया फिर उसके आगे वाले डिजिट पे मतलब टेंस प्लेस वाले डिजिट पे प्लस वन कर देना है मतलब उसके आगे वाला डिजिट तो ये रहा फाइव है तो फाइव में प्लस वन करो फाइव में प्लस वन करोगे तो क्या हो जाएगा सिक्स तो आंसर आया ठीक है बच्चों और एक और सम कर लेते हैं यहाँ पे है सेवेंटी थ्री ठीक है सेवेंटी थ्री है लास्ट में वंस प्लेस पे डिजिट कौन है थ्री थ्री है ना ये रहा वन टू थ्री फोर थ्री है तो थ्री की जगह पे आप आंसर में क्या लिखोगे वेल well, मैं इसको यहां पे लेता हूँ थ्री की जगह पे आप लिखोगे जीरो और उसके पहले जो टेंस प्लेस पे डिजिट है ना बच्चों पे आप वैसा का वैसा रहने दोगे तो आंसर आ गया सेवेंटी तो सेवेंटी थ्री का नियरेस्ट टेन क्या है सेवेंटी फोर्टी फोर का नियरेस्ट टेन क्या है फोर्टी फिफ्टी सिक्स का नियरेस्ट टेन क्या है सिक्सटी तो इस तरह से नियरेस्ट टेन आप आराम से कर सकते हो ठीक है कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं प्रैक्टिस के लिए वो आप खुद करना और हो सके तो कमेंट सेक्शन में उसका सॉल्व करके मुझे बताना ठीक है फाइंड आउट नियरेस्ट टेन ऑफ दिस नंबर एटी सेवन फिर फिफ्टी फोर फिर 96 सिक्स इन तीनों का नियरेस्ट टेन फाइंड आउट करके मुझे बताना ठीक है इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे राउंड ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड